एशिया के सबसे लंबे जुलूस में शामिल कानपुर का जुलूस मोहम्मदी आज दोपहर को परेड चौराहे से निकला। इसमें लाखों अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए जुलूस का नेतृत्व करने वाली संस्था जमीयत उलमा के जुलूस के आगे 250 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। 25 सेक्टरों में बटे इस जुलूस में हर सेक्टर में वॉलंटियर हैं। इन टीमों में सभी धर्म के लोग शामिल हैं। जमीयत के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी ने कहा कि जुलूस के लिए फजीर यानी कि सुबह 5 बजे की नमाज के बाद तंजीमों को टोकन वितरण किया गया। इसी क्रम में झंडे लगाए गए हैं। जुलूस मोहम्मदी में इस बार तिरंगा फहराए जाने को लेकर सख्ती की गई। तिरंगे के साथ अन्य झंडे को मिक्स करके फहराने की मनाही पहले ही कर दी गई थी। सिर्फ तिरंगा झंडा ही लोगों ने जुलूस के आगे फहराया। जुलूस का नेतृत्व करने वाली संस्था जमीयत उलमा ने स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के बाद यह ऐलान किया है। शहर काजी हाजिफ कुद्दूस हादी ने कहा कि ऐसे कोई नारे ना लगाए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। जुलूस में लोडर आदि ना ले जाए। शहर काजी मुफ्ती साकिब अदीब मिसबाही ने कहा कि जुलूस के रास्तों पर लंगर फेंक कर ना दे। शहर काजी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रजा ओवैसी ने कहा कि जुलूस की पाकीजगी और नफासत का ख्याल रखना सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। मौलाना हाशिम अशरफी ने कहा कि जुलूस में अपने मुल्क के सभी हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई लोगों को मुबारकबाद देते हुए चले। जुलूस की सुरक्षा के लिए 10 कंपनी PAC तैनात की गई है। 123 ड्रोन से पूरे जुलूस की निगरानी की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।